एमए सेमेस्टर वन के पॉलिटिकल थ्योरी के पेपर में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज का ये पांचवा लेक्चर है और मैं डॉक्टर तबस्सुम मानो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने पॉलिटिकल थ्योरी की इस लेक्चर सीरीज में नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद हम डिबेट्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट कर लिया था, हमने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कर लिया था। उसके बाद आज हम इसमें एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट ये पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको ये थोड़ा अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझना होगा कि एक घटना हुई थी 1989 में, जिसमें 1990 के बाद आपको पता होगा कि जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, वो उसका एक तरीके से उसके जो स्टेट्स थे वो उससे स्वतंत्र हो गए और उस संघ के टूटने से, उसके विघटन से एक तरीके से उसको माना गया कि साम्यवाद का अंत हो गया है, कम्युनिज्म का अंत हो गया है। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर कम्युनिज्म का एक पोलर माना जाता था और उसके अगेंस्ट जो यूएस है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो लिबरलिज्म का सिंबल माना जाता है। तो ये जो दो पोल्स थे, बाइपोलर वर्ल्ड था, इसका टूट जाना 1990 की एक घटना थी, जिसके बाद मतलब इसी के परिप्रेक्ष्य में इन सब चीजों को देखा जाता है और इसी परिप्रेक्ष्य में ये वाला सिद्धांत आया था कि एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो उस समय में 1989 में देखिए फ्रांसिस फुकुयामा है, उनका एक पेपर आया था जिसका टाइटल था कि द एंड ऑफ हिस्ट्री, जो कि पब्लिश हुआ था द नेशनल इंटरेस्ट नामक एक मैगजीन में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि द फेल्योर ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म जो फेल हो गया है, जो कम्युनिज्म फेल हो गया है, यानी यूएसएसआर का पतन इसमें कहा गया कि एक तरीके से जो यूएसएसआर था वो एक तरीके से टूट गया था। तो यूएसएसआर का खत्म हो जाना यानी फेल्योर ऑफ सोशलिज्म माना गया और उसका मतलब ये माना गया कि ये आर्थिक और राजनीतिक उदारीकरण यानी जो लिबरलिज्म था उसका एक तरीके से उसकी विजय थी, यानी अगर सोशलिज्म हार गया है तो लिबरलिज्म जीत गया है, ये कहा जाने लगा इसको। तो आप इसको इसी परिप्रेक्ष्य में याद रखेंगे। फिर फ्रांसिस फुकुयामा क्या कहते हैं कि द एंड ऑफ कोल्ड वार, देखिए अभी मैंने आपको जो बताया वही बात ही कह रहा है, द एंड ऑफ कोल्ड वार, जैसे कोल्ड वार खत्म हो गया था और कोल्ड वार किस किस के बीच था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच, इनके बीच कोल्ड वार था, ठीक है। अब कोल्ड वार खत्म हो गया, उसका मतलब क्या निकाला इन्होंने कि दिस इज एंड ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब एक तरीके से कि ह्यूमन की जो हिस्ट्री है उसका प्रोग्रेशन ही खत्म हो गया है अगर कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, तो ये माना गया। जैसे कि अगर लिबरलिज्म और कम्युनिज्म है, इन दोनों के बीच की आपस की जो लड़ाई है वो खत्म हो गया, तो एक तरीके से ये जो हिस्ट्री लिखी जा रही थी इस वॉर की वो खत्म हो गई है, तो दैट इज एन एंड, इसको एक अंत माना गया। तो द एंड ऑफ हिस्ट्री इज द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एज द फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दो विचारधाराएं, सोशलिज्म समाजवाद, कम्युनिज्म साम्यवाद जिसे उस वक्त में माना जाता था, और दूसरी पॉलिटिकल लिबरलिज्म यानी उदारवाद, ये दोनों जो विचारधाराएं थी जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि जो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन था, आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन जो हम एक तरीके से प्रोग्रेस कर रहे थे विचारधारात्मक रूप से, तो फ्रांसिस फुकुयामा यही इसमें समझाना चाह रहे हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री एक तरीके से एंड पॉइंट है जिसमें कि आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन जो इंसान का हो रहा था
वो एक तरीके से उसका भी अंत आ गया है, द एंड पॉइंट आ गया है। एंड पॉइंट मतलब उसने में चरम को प्राप्त कर लिया है। अगर दो आइडियोलॉजिकली जो विचारधाराएं हैं वो आपस में लड़ रही हैं और एक विचारधारा हार गई तो दूसरी विचारधारा जीत जाएगी, तो उसको एंड माना गया। और उसके बाद कहा गया है कि एक तरीके से यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है किसका, दूसरी वाली विचारधारा का, जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी थी वो, कि अब जो जितनी भी सरकारें हैं ज्यादातर उसी को अपना रही हैं, तो एक तरीके से उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है। तो वो लिबरल डेमोक्रेसी का यूनिवर्सलाइजेशन हो जाना और कम्युनिज्म का खत्म हो जाना, यूएसएसआर का टूट जाना, उसको एंड ऑफ हिस्ट्री माना गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट का बैकग्राउंड देखिए क्या था। एक्चुअली 1980s एंड 1990s में कोल्ड वॉर जो डिक्लाइन होने लग गया था, जो शीत युद्ध का था काल जो बहुत लंबा चला था, वो धीरे धीरे अपने पतन की ओर चला गया और खत्म होने लगा। तो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग डाउन द टेंशन बिटवीन टू मेजर आइडियोलॉजिकल पावर ब्लॉक्स। अब जो बड़ी बड़ी आइडियोलॉजिकल पावर ब्लॉक्स थी दो, एक तो अमेरिका और एक रशिया, तो ये दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में जब टेंशन्स खत्म होने लगी तो उसे कहा डिटेंटे। तो इसे डिटेंटे कहा जाता है, आप इसको भी याद रखेंगे कि ये टर्म क्या है, ये आप याद रखेंगे कि क्या है। उसके बाद द पीरियड ऑफ डिटेंटे लेड द वर्ल्ड टुवर्ड्स द ईज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब जो एक्सट्रीमिज्म, एक तरफ जो एक एक पोल था वो लिबरल था, दूसरा पोल था वो कम्युनिस्ट था, तो ये दोनों पोल्स एक दूसरे से टेंशन के रिलेशन से जुड़े हुए थे, तो ये टेंशन धीरे धीरे लूजन आउट हो गई। तो लूजन होने से क्या हुआ कि एक तरीके से कोल्ड वॉर खत्म हुआ और खत्म होके यूएसएसआर एक तरीके से टूट गया। तो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ द हिस्ट्री इज इनएविटेबल ट्रम्फ ऑफ लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी ओवर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट, कि ये एक तरीके से लिबरल कैपिटलिस्ट जो उदारवादी पूंजीवादी लोकतंत्र था उसकी जीत थी किस पर, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट पर। तो इसे इस रूप में देखा गया। फिर देखिए फ्रांसिस फुकुयामा पोज्ड हिमसेल्फ एज ए लीडिंग कंजर्वेटिव इंटेलेक्चुअल। वो अपने आप को सबसे बड़े कंजर्वेटिव इंटेलेक्चुअल मानते थे कि वो बहुत बड़े कंजर्वेटिव हैं। ऑल द आउटसेट हिज द एंड ऑफ हिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फिर जो एक तरीके से नव विश्व व्यवस्था, आप पढ़ेंगे इसको भी आईआर में कि यह है एक प्रॉपर की टर्म है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि नव विश्व व्यवस्था और एंड ऑफ हिस्ट्री है ये एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फुकुयामा आइडेंटिफाइड लिबरल डेमोक्रेसी विथ कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रांसिस फुकुयामा इसमें नेक्स्ट बोलते हैं दैट द डिबेट ऑफ सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म हैज लेफ्ट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी अनचैलेंज्ड एज द ओनली सिस्टम विथ ग्लोबल अपील, एंड ही कंटेंड्स दैट दिस अपील इज नॉट ट्रांजिएंट बट हैज डीपर रूट्स। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो सोवियत स्टाइल का कम्युनिज्म था उसमें अपने आप में ही एक टेंडेंसी थी कि वो खुद से ही खत्म हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी को कभी कोई चैलेंज दिया ही नहीं, तो कम्युनिज्म को इन्होंने कुछ समझा ही नहीं है। और ये कहते हैं कि जो लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है वो ही है एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम पूरे विश्व की सरकारें जिसको अपनाना चाहती हैं, जिसकी कि अपनी बहुत ही गहरी जड़ें हैं। तो कम्युनिज्म को माना गया कि उसकी कोई जड़ें नहीं है, बट लिबरलिज्म को माना गया कि उसकी बहुत गहरी जड़ें, इंसान जहां जहां गवर्नमेंट स्टेब्लिश करना चाहता है वहां वहां उसकी जड़ें हैं, तो इस वजह से वो ही अंततः जीतेगा, यानी वो उसी की सरकार स्थापित होगी। तो फुकुयामा की जो ये थीसिस है जिसमें ये एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, इस थीसिस में ये तीन एलिमेंट्स स्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि सबसे पहले एम्पिरिकल आर्ग्यूमेंट इनका क्या है, कि इन्होंने
वास्तव में देखा क्या जिससे कि इनका आर्ग्यूमेंट एस्टेब्लिश हुआ। एम्पिरिकल मतलब एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसको कि हम देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। तो ये कहते हैं कि सिंस द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी डेमोक्रेसी विच स्टार्टेड ऑफ एज बीइंग मेरली वन अमंग मेनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज ग्रोन अमंग द मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एज डेमोक्रेटिक वंस ओनली। तो ये कहते हैं कि 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी कुछ ही सिस्टम्स में आई थी, कुछ ही देशों ने इसको अपनाया था, लेकिन धीरे धीरे इसने जिस तरीके से अपने आप को ग्रो किया और अब हर कंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाने लगी है, तो उससे ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है अंततः वो सबको, सारी सरकारों को सूट कर रही है। फिर ये कहते हैं नेक्स्ट फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट क्या है इनका। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम हीगल, ये इन्होंने हीगल से लिया है। उसमें फुकुयामा कहते हैं कि जितनी भी हिस्ट्री है वो एक तरीके से डायलेक्टिक है, यानी उसमें एक द्वंद है। द्वंद होता है, डायलेक्टिक होता है, जिसमें कि दो पॉइंट्स के बीच में कोई युद्ध या मतलब टेंशन वाली स्थिति हो, यानी आपस में वो दोनों एक दूसरे की प्रतिरोधी हो, इसे कहते हैं डायलेक्टिक। तो इनमें प्रतिरोध होना बहुत जरूरी है, इसे हम कहते हैं द्वंद। तो ये कहते हैं कि द्वंद इन दो क्लासेस के बीच में चलता है, मास्टर एंड स्लेव, यानी एक तो दास वर्ग और एक मालिक वर्ग, यानी दो क्लासेस इन्होंने डिवाइड करी है और इन दोनों क्लासेस में अंततः लड़ाई होती रहती है, यानी क्लेश, एक संघर्ष रहता है। तो अल्टीमेटली दिस थीसिस, तो मास्टर्स को, मास्टर्स जो है, जो मालिक लोग हैं, उनको थीसिस कहा गया है और एंटीथीसिस किसको कहा गया है, स्लेव्स को, यानी जो मजदूर हैं और जो मालिक हैं, इन दोनों के बीच में हमेशा द्वंद चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है और फिर दे मस्ट मीट इन सिंथेसिस, फिर ये एक ऐसे सिंथेसिस में मिल जाते हैं जिसमें कि ये अल्टीमेटली लिव इन पीस टूगेदर, बाद में आराम से ये पीस के साथ रहते हैं। इनके जो डायलेक्टिक है, इनका द्वंद है, वो एक तरीके से खत्म हो जाता है और वो किस में पॉसिबल है, वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल है। तो फुकुयामा नेक्स्ट थर्ड बोलते हैं कि दैट सोशलिज्म कम्युनिज्म इज लाइकली टू बी इनकम्पैटिबल विथ मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये जो समाजवादी, साम्यवाद का जो सिस्टम है, इसको उस टाइम में देखा गया और समझा गया कि ये जो आज की आधुनिक प्रतिनिधियात्मक डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का आज का जो हमारा मॉडल है, उससे ये बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है, तो इसको अब हमें छोड़ देना चाहिए। सोशलिज्म और कम्युनिज्म का जो मॉडल है वो हमारे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया है, ऐसा फुकुयामा डिस्क्राइब करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट फुकुयामा के हैं, आपको याद रखने हैं कि उन्होंने तीन आर्ग्यूमेंट्स कौन से दिए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में फुकुयामा कहते हैं कि इन फ्यूचर डेमोक्रेसी इज ओवरवेलमिंगली लाइकली टू कंटेन मार्केट्स ऑफ सम सॉर्ट एंड मोस्ट लाइकली टू बी कैपिटलिस्ट और सोशल डेमोक्रेटिक। तो इसमें कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी होगी फ्यूचर की, उसमें जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो फंडामेंटल फीचर है, यानी मार्केट्स, वो होंगे और वो फ्री होंगे। और इस तरीके से बताया गया कि कैपिटलिस्ट जो होंगे वो ज्यादातर वो मिलेंगे, और अगर कोई सोशल मिले तो भी सोशल डेमोक्रेटिक होंगे। तो इस तरीके से अल्टीमेटली कहा गया कि जो कम्युनिज्म है वो एक तरीके से फेल्ड सिस्टम है, और जो लिबरल है वो एक तरीके से बहुत ही सक्सेसफुल सिस्टम है। तो ये वेस्टर्न थिंकर्स के द्वारा एक तरीके से प्रोपोगंडा बना के इस थ्योरी को बहुत ज्यादा फेमस बनाया गया कि जो USSR है, अगर वो टूट गया है तो उसका ये मीनिंग निकाला जाएगा कि एक तरीके से हिस्ट्री का अंत हो गया है और अब कम्युनिज्म खत्म हो गया है, तो हमें बस जो लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है
उसी की तरफ जाना चाहिए। जबकि अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे सोशलिस्ट एलिमेंट आ गए हैं, जैसे कि सोसाइटी में जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो सोशलिज्म से हमने ले लिया है, और आज स्टेट बहुत से काम ऐसे करता है जिससे कि सोसाइटी में मास पीपल का भला हो। तो इस तरीके से सोशलिज्म को भी आप पूरी तरीके से नकार नहीं सकते, जैसे कि फुकुयामा ने नकार दिया। तो आप बस ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि द एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट क्या था, फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया, और इस डिबेट के बारे में आपको क्वेश्चन आए तो आप इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख देंगे। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अपने इस सिलेबस का अगला पॉइंट टारगेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।